पाकिस्तानी अदाकारा मथीरा का कहना है कि उनकी दवाएं एक हफ्ते में कबूल हो जाती हैं। इस वाले से सोशल मीडिया पर मथीरा का एक इंटरव्यू क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी कबूल होने वाली दवाओं से मुतल्लिक गुफ्तगू की है। इंटरव्यू में मथीरा का कहना था कि इंसान अल्लाह से गुफ्तगू करके हिलका महसूस करता है और वो अल्लाह ताला से जो दुआ करती है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में कबूल हो जाती है। दौरान इंटरव्यू मथीरा का कहना था कि अगर इंसान का रिश्ता खुदा के साथ एतमाद का हो, खुदा आपकी बहुत सी चीज़ों को माफ़ करके आपको अता कर देता है। अदाकारा मथीरा का यह भी कहना था कि 30 साल की उम्र के बाद जब उन्होंने अपनी ज़ात में तब्दीली चाही तो उन्होंने तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी। वो सलातुल हजात बाकायदगी से पढ़ती हैं। अदाकारा का कहना था कि अब उनका मकसद है कि दिन में कम से कम 2 से 3 फर्ज नमाजें भी अदा कर सकें, क्योंकि सोने और काम करने की वजह से 5 वक्त की नमाज अदा नहीं कर सकती। ये अदाकारा के हवाले से एक अहम अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर कोई मज़ीद तफसीलात आती हैं तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।